नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापसी करने वाले बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी आज फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में आज देश विदेश से कई नेताओं के अलावा मनोरंजन जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं और इन्हीं में से एक नाम है शाहिद कपूर का। जी हां, शाहिद कपूर भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। आप देख सकते हैं गॉगल में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर। उन्होंने पीछे अपना बैग कैरी किया हुआ है। व्हाइट आउटफिट में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर और चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल। आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किस तरह से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर। शाहिद कपूर यहां पर कैजुअल लुक में नजर आए, व्हाइट टी और ब्लैक ट्रैक पैंट के साथ। आप देख सकते हैं शाहिद कपूर कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने को लेकर। आपको बता दें, शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म कबीर सिंह को लेकर खासा चर्चाओं में हैं। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह काफी ज्यादा चर्चाओं में है। शाहिद कपूर इसमें डिफरेंट अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें, कबीर सिंह तेलुगु सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक है। फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में शाहिद एक ड्रग एडिक्ट और शराबी डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म आने वाली 21 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म के गाने भी लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको बता दें, कबीर सिंह के लिए शाहिद कपूर ने जमकर मेहनत की है और जिसका रिजल्ट आप सब देख सकते हैं। ट्रेलर को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कबीर सिंह के ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर सभी ने कहा था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। आपको बता दें, कबीर सिंह के ट्रेलर लॉन्च पर काफी खुश नजर आए शाहिद कपूर और कियारा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।